करूंगी और हम देखेंगे कि हम बाज़ात मेकअप शॉपिंग में क्या गलतियां करते हैं, हम उनको भी पॉइंट आउट करेंगे, हाईलाइट करेंगे और फिर वाइस शॉपिंग में तो मेकअप डन। सो लेट्स वेलकम हमारी आज की तीनों मेरी प्यारी प्यारी सी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक। अच्छा आज पता है होने क्या वाला है? आज वकार हुसैन हमारे साथ हैं और आप लोगों के पास ये चॉइस है कि आप जाकर अपनी मर्जी की ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, अपनी ब्यूटी किट्स वो चूज कर सकते हैं और आपके थ्रू हमारे व्यूअर्स को जो घर में बैठी हुई बहुत सारी खवातीन है जो ऐसे मॉल में आती है तो फजूल में इतने पैसे लगाकर हम चले जाते हैं मेरी तरह कि वो घर जाके और जब वापस करने आते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक्सचेंज भी नहीं हो सकता और रिफंड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये खुल चुका है तो वो प्रोडक्ट फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप उसका करें क्या और जो दिल आपके खून के आंसू होता है ना इतने पैसे जाया। सो आज मैं चाह रही हूँ उससे हम आपका बचत करवाएं। सो आप लोगों ने जाना है अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स जो आपको लगता है आपके पूरे मेकअप की हम वकार आपको बताएंगे उसमें क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज ज्यादा ले ली है, क्या चीज सही नहीं ली है, क्या चीज नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है? ठीक है, कुछ और आप बताना चाहिए? मैं कहूंगा कि आप लोग ने अपनी किट ऐसी बनानी है जिसके अंदर बेसिक तमाम चीजें होनी चाहिए। मतलब देखिए लिपस्टिक तो ऐसे कलर्स होते हैं कि अगर आपने लिपस्टिक के बहुत सारे कलर भी लिए तो वो कम है, लेकिन आपने आपने अकलमंदी से ऐसे कलर्स उठाने जिनसे कलर मिक्स करके भी आप कलर्स बना सके। तो आप अपनी अच्छी सी किट बनाइए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग की स्किन पे क्या सूट करते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ, बहुत टाइम नहीं है, घंटे नहीं लगाने हैं, मॉर्निंग शो का ही टाइम है सिर्फ हमारे पास। ठीक है, सो आप लोग जाएंगे अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे और वो लेकर यहाँ पर आएंगे। सो देखते हैं क्या सिलेक्ट करती हैं और उसके बाद मैं और वकार मिलकर एक लो एंड एक हल्के बजट की मुनासिब बजट की मेकअप किट की तैयारी आपको बताएंगे वो आपने कैसे बनानी है और एक बहुत एक्सपेंसिव सी जो मैं हर रोज फिर अपने मेकअप के लिए मॉर्निंग शो में यूज किया करूंगी और आप उसका रिजल्ट देखा करेंगे। जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये हम सब लोग जो शॉपिंग करेंगे आप हम सबके मेकअप भी करेंगे। पूरा इस्तेमाल बताऊंगा कि आपने कौन सा हमारी तीनों बास्केट्स हो गई हैं मुकम्मल और मेरा ख्याल है कि अब इन बास्केट्स को हम देखना शुरू करें जज और एक जितना बजट था इनका, एक जितना टाइम आप लोगों को दिया गया, अब देखना ये है कि आप में से कौन अपने बजट में सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं बाइज शॉपिंग जो है वो करके आया। सो लेट्स स्टार्ट चेकिंग। सबसे पहले मारूख की बास्केट। मारूख आपने कोई स्पंज और पफ तो लिया इन्हीं फाउंडेशन के लिए? हाँ बिल्कुल। And yeah, I really like the lip color. It's lip gloss. It's very nice. Lip color अच्छा है. Red lip color है. Very nice. अच्छा मानो आपने जो है shimmer है. हाँ shimmer है ये.
लेकिन शिमर ने इट्स अ पाउडर फॉर्म आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड स्किन वेरी क्लियर स्किन तो गो फॉर द लिक्विड शाइनर वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको इसको भी हम चेंज करेंगे ठीक है ना और दिस इज द आईब्रो किट एंड आईब्रो किट इज नाइस परफेक्ट ये आईब्रो किट देख लीजिए दो दो रेड ले लिए एक मैरूनी शेड है और एक रेड है तो आपने एक न्यूड भी आने हम इसको चेंज कराएंगे ठीक है एंड न्यूड इज नाइस कलर इट्स वेरी नाइस कलर आई थिंक यू शुड गो फॉर अ लिटिल बिट पिंक कलर या आई शेड तो बहुत अच्छे हैं ये लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो आपकी स्किन को सूट करता कलर है वो सिर्फ ब्राउन है जो ज्यादा अच्छा लगेगा एंड ऑरेंज एंड रस्ट अदरवाइज बाकी जो कलर्स हैं या ग्रे आप सूट करेगा अदरवाइज जो बाकी कलर्स हैं वो पैलेट के अंदर आपके ऐसे हैं जो आपके लिए यूज नहीं करते क्योंकि इतने खट्टे कलर जो है वो नॉर्मली नहीं रहते तो हम थोड़ा सा इसको चेंज करके ब्राउन और बेज के अंदर आपके लिए मौका मिला था सब लुक ओवर जो बजट से बाहर चीजें होंगी ना हम उनको आउट कर देंगे क्योंकि एक जितना बजट सबका एक जितना टाइम सबने उसी में शॉपिंग की ठीक है जी तो इसका मतलब है कि ये तो बजट से होगी बाहर तो हम इसको पहले निकाल देते हैं कि बजट से बाहर होगी सही है इन्होंने पैलेट अच्छा दिया है इट्स वेरी नाइस पैलेट ये बहुत मजेदार पैलेट है इसको हम यूज कर सकते हैं ठीक है वेरी नाइस ग्लॉस ये बहुत अच्छा ग्लॉस है एंड कोल्ड पेंसिल इज वेरी नाइस मस्कारा इज गुड हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है कलर वेरी नाइस अच्छा ये इतनी महंगी उन्होंने कहा कि मैं सारा बजट एक ही में निकाल दूंगा ये सबसे जो है वो भरी हुई बास्केट है वैसे अच्छा ये बहुत अच्छे दिए इन्होंने कंट्रोल के लिए बट लेकिन आपकी रेडी स्किन इन्होंने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से बहुत अच्छा कंट्रोल उठाया है इसके अंदर कंट्रोल भी है और ये भी ये हम रखेंगे और ये बजट से बहुत बाहर जाएगी तो हम चेंज करके कुछ दूसरा ले लेते हैं ठीक है अच्छा इन्होंने भी तकरीबन सेम ही वो किट उठाई है इस तरह के शेड की बट लेकिन आप लोगों के लिए इतने सारे शेड में से जो बेसिक शेड्स है ना ज़्यादातर आप ये शेड और ये से यूज़ करेंगी पर्पल आप मुझे नहीं लगता कभी लगाएंगी और ये इतने बेग कलर्स हैं तो आई थिंक ये चेंज करेंगे ठीक है इट्स वेरी नाइस कलर लिपस्टिक चॉइस बहुत अच्छी है लेकिन देखिए इन्होंने बजट से बहुत बाहर चीज़ें ले ली हमें एक हाथ तो वापस करनी पड़ेगी वेरी नाइस कलर वेरी नाइस लेटर भी लिए हैं बहुत अच्छे देखिए ये वाली पेंसिल में आपसे कहा था कि वाइट की जगह जो हम ये पेंसिल लगा सकते आई डोंट थिंक सो इसकी जरूरत है हमारे पास अप्रूव नहीं है ओके वाइट और बेज पेंसिल ये सब डबल डबल लिया है इन्होंने ना इन्होंने कहा कुछ एक फटेगा तो मैं दूसरा ले लूंगी मैंने समझा शायद हस्बैंड के साथ ही मैं गई हूं ना कि वो एक उसने कहा चीज ले लो तो मैं कहूंगी दो और ले लूंगा फिर मूड बना के दो डेढ़ तो मिल ही जाएगी नहीं जी नहीं अप्रूव होगा सब बजट से जो बाहर है वो बाहर जाएगा उन्होंने हमारा शो बहुत गौर से देखा है स्क्रीन में सेम वो पेंसिल थी उसकी जो हम यूज करते हैं वेरी गुड सो ये बहुत अच्छी ब्राउ शेपर गुड ये भी बहुत अच्छी है लेकिन लिपस्टिक्स हम कुछ कम करेंगे क्योंकि ये बजट से बाहर जाएगा सो ये हो गई वो चीजें जो नहीं है और अप्रूव नहीं है सो ये हम रख देंगे इस बास्केट में खुद डालो जल्दी से और अब सबसे पहले मैं आपको भेजूंगी आप जाओगी वकार के साथ और हम मैं भी जाऊंगी साथ डेफिनेटली और हम देखेंगे कि जो चीजें आपके अप्रूव नहीं है अपनी बास्केट उठा लो ठीक है जो चीजें अप्रूव नहीं है वो हम वापस करके वो वापस करके हम इसको नई चीजें नई चीजें लेकिन बजट में रहना है बजट में लेकिन हम काम करते हैं कि आप इनको हम बास्केट जो ये वाली एक हम बॉर्डर कर लेते हैं और हम इसके अंदर ये डाल देते हैं जो हमें अप्रूव है हमारे पास ताकि हम देख सकें क्या चीजें हमें चाहिए तो हमारे साथ रहें आई मेकअप रिमूवर बाकी हम बिल्कुल बिल्कुल बाकी हम ये वाला देते हैं इट्स वेरी नाइस ये वाला आई मेकअप रिमूवर कौन से वाले वाइप्स हम मेकअप वाइप्स ले रहे हैं ये बहुत जरूरी है स्किन अच्छी होगी तो मेकअप ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा तो हम 20 नंबर पाउडर जो है वो यहां से ले रहे हैं और उसके साथ जो इन्होंने बेस लिया एग्जैक्ट
देख रही है कि इसमें बहुत बेसिक कलर्स हैं ताकि ये इनके बैग में रहे और बेसिक कलर्स। मगर बजट से आउट हो जाएगा ना, तो हमें उनके लिए जो हमने किट्स लिए उनके पास जो किट्स हैं वो ऑलरेडी बड़ी किट्स हैं, तो इसलिए हमने कहा उनकी छोटी ले लें तो दो ले लेते हैं। डन, ठीक है। तो ये बास्केट कंप्लीट। बिल्कुल, इनके लिए हमें लेना पड़ेगा एक ब्राउन पेंसिल। आईब्रो की किट आपके पास है, मस्कारा हो गया, आई शेडो हो गया, और बास्केट जो है वो कंप्लीट कर ली है और तेजी से हम आ रहे हैं यहाँ पे ताकि हम देख सकें कि जो हमने बास्केट बनाई है। चलें वकार दिखाइए, अब हमने जो बास्केट कंप्लीट की है उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। उसमें हमारे पास देखें ब्रश किट है, ठीक है, एक हमारे पास कॉन्टोर है विद द हाइलाइटर, ये हमें बड़ा अच्छा मिल गया कि हैंडी है इसमें, हमें वो भी मिल गया, कॉन्टोर भी मिल गया और हमें इसमें शिमर भी मिल गया, ठीक है। ये हमने दो किट ली है, ये आई शेड्स ले लिए हमने, ठीक है। हमारे पास आई मेकअप रिमूवर है, हमारे पास ये वाइप्स हैं, फाउंडेशन है, पाउडर है, और ये पाउडर है उसी के साथ का, और हमें बड़ा अच्छा ब्लश मिल गया था, ये ब्लश है हमारे पास, ठीक है। एंड ये आईब्रो किट है इनकी, एक ये रेड कलर है, पिंक कलर है, ये रेड इन्होंने चूज किया था पहले, और ये मस्कारा एंड पेंसिल। आई थिंक दिस इज द बेसिक मेकअप जो सबके पास होना चाहिए, ये होना चाहिए। सो मारुख की बास्केट तो हो गई कम्प्लीट, अब बारी आई निमरा की। So, निम्रा की बास्केट जो है उसको अब हम करेंगे कंप्लीट। निम्रा की ओके चीजें जो है क्या वो बास्केट में मौजूद।
ब्राइट लेंगे, तो हमें ये नंबर आप दे दीजिए प्लीज। ये कैसे तय होगा कि पाउडर ऊपर कौन सा होना चाहिए? अगर हम हमें थोड़ा नेचुरल टोन देना है, देखिए मैं आपको इसको दोनों चीजें बताता हूँ। अगर हम देते हैं बहुत ब्राइट तो ये चीज बहुत ब्राइट हो जाएगी, तो ये पैच पड़ने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम बेज में लेते हैं तो बेज में आप देखिए कि वो ब्लेंड होके सॉफ्ट हो, ठीक है। दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा बेज में व्हाइट ले रहे हैं। तो हमने कौन सा शेड दिया? 05। और ये बड़ी रीजनेबली प्राइस है। हमने दोनों बास्केट आपको दिखा दी, हमने हैवी भी दिखा रहे हैं साथ में ये भी दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सब कुछ सस्ता दिला रहे हैं, कुछ चीजें इसमें अच्छी मिल जाएंगी जो इनकी स्किन के लिए जरूरी होंगी, ठीक है। अब क्या लेने जा रहे हैं? अब हम लेने जा रहे हैं इनके लिए एक ब्लश जो हमने वहाँ देखा था, इन पे भी वही सूट करेगा। तो आई थिंक ये हम एक ऑरेंज और ले लेते हैं, ऑरेंज वाला, ठीक है। थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, तो इनके लिए हम एक ये कलर लेंगे। ये बिल्कुल वही रेडियंट हाइलाइटर्स हैं जो अंडर आई लगते हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। आपके पास का टेस्टर है? हमने कौन सा वाला शेड दिया? जो कि क्लिनजर और मेकअप वाइप्स और ब्रशेस किट, ये तो हम तीनों के इस पे डालेंगे, तो इनके लिए भी हम मंगा लेते हैं कि मेकअप वाइप्स और ब्रशेस किट इनके लिए आ जाएगी यहाँ पर। डन, ये वो चीजें हैं जो कि नहीं चाहिए हैं हमें। ओके, अब तीसरी बास्केट। ये मूज फाउंडेशन